हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देश के बड़े मंदिरों की बात करने वाले हैं, जिन्होंने संकट के समय देशभक्ति का काम किया है। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसके लिए आवश्यक हो जाता है संकट के समय कौन देश के लिए आगे आता है। काफ़ी नंबर में सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन ने डोनेशन किया, वो भी बड़े अमाउंट में। तो देश के बड़े मंदिरों का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी देश हित में कुछ दान करे। भारत देश के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और यही कारण है कि हम अपने भगवान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत में मौजूद टोटल मंदिरों की नेटवर्थ संपत्ति की बात करें तो यह देश की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखते है। देश के कुछ ही मंदिरों की बात करें तो इनके नेटवर्थ संपत्ति इतनी हो जाती है कि कुछ देशों को खरीद सकती है। अगर देश के चार बड़े मंदिरों की ही बात करें तो महज इतनी संपत्ति से देश 500 साल तक मुफ्त पेट्रोल दे सकता है। संकट के समय देश हित में अगर इनमें से कुछ संपत्ति देश के लिए दान कर दी जाती है तो देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा मिल सकती है। आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस समय कौन से मंदिरों ने संकट के समय रुपए दान किए और कितने किए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दान की सूची में सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में विराजमान है। सोमनाथ ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई है। दान की सूची में दूसरा नाम आता है अंबाजी मंदिर का। यह मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर अरासुर पर्वत पर स्थित है। भारत में माँ शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक प्रधान पीठ है। अंबाजी मंदिर ने भी 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। वहीं खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान ने भी अपनी क्षमता अनुसार 11 लाख रुपए का दान किया है। चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने भी संकट की घड़ी में अपने हाथ बंटाए हैं। सालासर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी अपनी क्षमता अनुसार 11 लाख रुपए का दान दिया गया है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित जीण माता का मंदिर है। जीण माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी 5 लाख रुपए का दान किया गया है, जो इस संकट की घड़ी में काफी मायने रखता है। वहीं उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर ने भी इस महामारी से निपटने के लिए ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए का दान किया है। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में मां वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 7 करोड़ रुपए का दान किया गया है। शिरडी के साईं की प्रसिद्धि दूर दूर तक है और यह पवित्र धार्मिक स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह साईं की धरती है जहां साईं ने अपने चमत्कारों से लोगों को विस्मृत किया है। ऐसे में इस मुश्किल की घड़ी में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने हाथ आगे बढ़ाई है। शिरडी के साईं मंदिर ट्रस्ट ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोष में 51 करोड़ रुपए का दान किया है। भगवान वेंकटेश स्वामी को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर की महत्ता को कौन नहीं जानता है। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर विश्व के सर्वाधिक धनी धार्मिक स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 200 करोड़ रुपए का दान किया गया है।